Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, MD CAD series fundamental concepts का next topic है yield. Yield जो है ये product होता है जो बनता है किसी भी reaction में actual yield जो हमें reaction के बाद मिलती है theoretical yield हम equation से निकालते हैं और फिर actual और theoretical yield into हंड्रेड करके हम उसकी percentage भी निकाल सकते हैं एक्चुअल यील्ड्स को प्रैक्टिकल यील्ड या एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं थ्योरेटिकल को एक्सपेक्टेड या हम कैलकुलेटेड यील्ड भी कहते हैं एक न्यूमेरिकल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं 6 ग्राम सिलिकॉन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद एक्सेस कार्बन टू फॉर्म वन ग्राम सिलिकॉन कार्बाइड कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड अब सबसे पहले तो आपको यहां पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन सेट करनी पड़ेगी क्योंकि जब तक बैलेंस केमिकल इक्वेशन सेट नहीं करेंगे तब तक हम इसको परसेंटेज को नहीं निकाल सकेंगे क्योंकि हमें थोरेटिकल का ही नहीं पता चलेगा तो सबसे पहले तो देख लेते हैं हम यहाँ पर इक्वेशन एस टू एक्सेस कार्बन से मिल रहा है कार्बन से मिलेगा तो ये हमारे पास बन जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड अब बाकी दो ऑक्सीजन है तो इसका मतलब हमें यहाँ तीन कार्बन यूज करने पड़ेंगे ताकि दो मोल कार्बन मोनोक्साइड बन जाए ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है अब इनसे तो हमारा तालक ही कोई नहीं एक्चुअली वो कह रहा है सिलिकॉन डाइऑक्साइड है और सिलिकॉन कार्बाइड है अब एक्चुअल येड उसने दे दी है एक्चुअल येड कितनी है एक्चुअल येड है वन ग्राम अगर हमें थ्रेटिकल का पता चल जाएगा तो परसेंटेज आराम से निकल आएगी अब हम थ्रेटिकल कहाँ से निकालेंगे इक्वेशन से इक्वेशन में देखें एस आईओ टू सिलीकॉन का ट्वेंटी एट होता है दो ऑक्सीजन का थर्टी टू तो इसका मैस बनेगा सिक्सटी सिलीकॉन ट्वेंटी एट है कार्बन बारह है तो इसका बनेगा फोर्टी अब ये है बैलेंस केमिकल इक्वेशन सिक्सटी से फोर्टी बनेगा अब उसने सिक्सटी नहीं कहा सिक्स कह दिया तो इसका मतलब है सिंपली इसको टेन से डिवाइड किया है अगर आप इसको टेन से डिवाइड कर दें और इसको भी टेन से डिवाइड कर दें तो ये कितना आ जाएगा सिक्स तो सिक्स से फिर कितना बनेगा फोर यानी आपने मोलर से रिलेट करना है हर दफा तो एक्चुअली फोर ग्राम सिलिकॉन कार्बाइड बनेगा सिक्स से थ्रेटिकली थ्रेटिकली इतना बनेगा एक्चुअल कितना बना वन ग्राम एक्चुअल ओवर थ्रेटिकल कितना आ गया फोर तो ये आ गया ट्वेंटी फाइव परसेंट तो हमारे पास यहाँ पर जो येड आएगी वो ट्वेंटी फाइव परसेंट आ जाएगी तो इस तरह डियर स्टूडेंट है हम यील्ड से रिलेटेड कैलकुलेशंस बड़े आराम से कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच